राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी रविवार को बाड़मेर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री हरीश चौधरी ने अपने आवास में जन सुनवाई का आयोजन किया। जन सुनवाई में जिले भर से कई फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। लोकसभा चुनावों में आचार संहिता की लंबी पाबंदी के खत्म होने के बाद प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार जनता के कार्यों में जुट गई है। लंबे समय से जनता के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए राजस्व मंत्री अपनी गृह जिले में ढूंढे नजर आ रहे हैं। रविवार को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर दौरे के दौरान अपने आवास पर जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। बिजली पानी के साथ ही ग्रामीणों ने चारे, पशु शिविरों और अकाल राहत कार्यों को लेकर अपनी समस्याएं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के सामने रखी। जन सुनवाई के दौरान राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने लघु और सीमांत किसानों की श्रेणियों के चक्कर में किसानों को राहत नहीं मिलने की बात कहते हुए लोगों को राहत देने के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह बनाने पर सांसद कैलाश चौधरी को बधाई दी। जन सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर भी कई समस्या आई है और सार्वजनिक समस्या भी आई। कई समस्या है, जैसे पेयजल के संदर्भ में बड़ी समस्या, अकाल का समय है, पशु चारे के संदर्भ में है, बीमा जो नहीं मिला है उसके संदर्भ में है। उन समस्याओं के संदर्भ के अंदर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है राज्य सरकार के स्तर के ऊपर वो करी जाए। मैंने पूरा केंद्र सरकार और यहाँ के सांसद और राजस्थान के तमाम मंत्रियों को शुभकामनाएं दी और मेरी उनसे अपेक्षा है कि मिलकर अपन लोग राजस्थान के समस्याओं के संदर्भ में अपन एक अच्छी दिशा के अंदर कार्य करें और इनका हक दिलाएं और राजस्थान को आगे बढ़ाएं। वो जन प्रतिनिधि मंडल भी मेरे से मिला है, मैं अध्ययन करवा रहा हूं और उनको न्याय दिलवाएंगे। लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद जहां कांग्रेस के मंत्री ज्यादा से ज्यादा कार्यों को करने में लगे हैं, वहीं जनता भी अपनी समस्याओं के हल के लिए मंत्रियों के पास पहुंच रही है। रविवार को राजस्व मंत्री की ओर से आयोजित हुई जन सुनवाई में दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।